वन क्लिक में बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। वन क्लिक में बैकग्राउंड कैसे चेंज करें पूरे यूट्यूब पे आप किसी ने नहीं बताया होगा ना बताएगा। सबसे पहले आपको अपने गैलरी से फ़ोटो ले लेना है, फ़ोटो लेके आपको शेयर कर लेना है, शेयर कर लेना है फ़ोटो रूम ऐप में। इसका मैं बैकग्राउंड वन क्लिक में रिमूव कर लेना है। तो हमारा बैकग्राउंड है जो रिमूव हो चुका है। रिमूव होने के बाद में हम इसको अपने प्रोफाइल में सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए हम एक्सपोर्ट पे टच करेंगे। एक्सपोर्ट पे टच करने के बाद में तो गाइस यहाँ पे सेव टू गैलरी पे टच करेंगे। हमारा फ़ोटो है जो सेव हो चुका है अपने गैलरी में। अपने गैलरी में हम फिर से चलेंगे और एक फ़ोटो चूज कर लेंगे जो सेवी फ़ोटो बैकग्राउंड डाउनलोड किया है। ये वाला बैकग्राउंड डाउनलोड करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। इसको सिंपली करना कि आपको शेयर वाला आइकन पे टच करना है। शेयर वाला ऑप्शन पे टच करने के बाद में इसको पिकआर्ट ऐप में शेयर कर लेना है। पिकआर्ट ऐप में शेयर करने के बाद में यहाँ पे ऐड टू फोटो पे टच करना है। ऐड टू फोटो पे टच करने के बाद जो मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया था उसको फ़ोटो एक आपको फिर से ले लेना है, ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद में यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, अपने तरीके से अच्छे से इसको एक्सेप्ट कर लेना है ताकि दिखने में कुछ औसम तरीके से लगे। थोड़ा सा इसको साइज को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे हम डुप्लीकेट एक PNG भी बना लेंगे, डुप्लीकेट ले लेंगे। डुप्लीकेट लेने के बाद में इसको साइज़ बाई साइज़ पे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट कर लेना है एकदम साइज़ में होगा इस, तो यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पे एडजस्ट पे टच करना है और वेटनेस को कर देना है जीरो। जीरो करने के बाद में सही कर लेना है सही। उसके बाद में इरेज वाले ऑप्शन पर टच करना है, टच करने इन्वाइट को कर लेना है, डब लेना है इन्वाइट को। उसके बाद में इसको एडजस्ट कर लेना है अपने हाथों से, हल्का हाथों से यहाँ पे ब्रश को अप्लाई कर लेंगे। तो थोड़ा सा हमारा ब्लैक ब्लैक जो आ रहा है तो इसको बैक कर लेंगे। ब्रश को फिर से साइज इंक्रीज कर लेंगे ताकि देखने में कुछ अच्छे तरीके से लग सके। सेटिंग सेम रखना है आपको, देखने में कुछ औसम तरीके से लग सके। तो इसको हल्के हाथों से ब्रश को अप्लाई कर लेंगे सारे किनारे 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 सभी सभी जगहों पर। यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, यहाँ पर ब्रश को अप्लाई कर लेना है ताकि देखने में और ज़्यादा तरीके से लग सके। साइड साइड में इरेज वाले ऑप्शन को यहाँ पे ब्रश को अप्लाई कर लेंगे ताकि दिखने में हमारा कुछ औसम तरीके से लग सके। तो यहाँ पे बाल हमारा ख़राब दिख रहा है तो इसको अप्लाई कर लिया, कुछ अच्छे तरीके से दिखने लगा। तो दिखने के बाद में इसको देखिए हल्के हाथों से करना है, जल्दीबाजी में एकदम नहीं करना है, नहीं तो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा फ़ोटो। देखो कुछ इस तरीके से जूम कर करके कर लेना है ताकि दिखने में कुछ अच्छा लग सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद में कलर कुछ चेंज करना है, कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पे इफेक्ट वाला ऑप्शन ढूंढ लेना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन को टच करना है। इफेक्ट ऑप्शन पर टच करने के बाद यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। कलर से चूज़ करने के बाद यहाँ डबल वाला ले लेना है। इसके बाद इसको अपने बैकग्राउंड पर उठा के रख देना है। बैकग्राउंड पे रख देने के बाद यहाँ पे अपने हिसाब से कलर को मैच कर सकते हैं। कलर को जितना आप औसम तरीके से रखना चाहते हो उतना रख सकते हैं। तो देखिए गाइस वन क्लिक में हमारा जो बैकग्राउंड है वन क्लिक में कितनी ईजी तरीके से हो रहा है, ओनली वन क्लिक। तो आपको यूट्यूब वीडियो में कोई नहीं बताएगा अच्छे तरीके से भी इमेज को सेट करने के लिए। आप बने रहिए वीडियो को लास्ट तक, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना।